चंबल नदी के किनारे स्थानीय उद्योगों की ओर से किए गए राख के ढेर में दो मजदूर दब गए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन का अमला तुरंत मौके पहुंचा है। लगभग 30 मिनट बाद एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे मजदूर को काफी मशक्कत के बाद 3 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका, लेकिन एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा ढेर को खोदते समय हुआ है, जिसके बाद राख का दूसरा हिस्सा गिर गया, जिसमें दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। ये पूरा मामला ग्रेसिम उद्योग का है। राख जो होती राख बढ़ रहे थे, ऊपर से राख का पूरा जो पहाड़ था धसक गया, जिसमें ट्रैक्टर सहित जो लोग बच गए थे, जिसमें अजय एक्सपायर हो गया, 20 साल का बच्चा है, और एक जो इसको थोड़ी सी चोट आई थी वो धर्मेंद्र में। वहाँ से सभी वरिष्ठ अधिकारी, अपने शासन प्रशासन सबके अधिकारी वगैरह सब आ गए थे, SP साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब, CMO साहब, और अपने राजनीतिक पार्टी के सभी लोग आ गए थे। सभी की मदद से उसको रेस्क्यू किया गया और बच्चे को निकाला, और इसको जनसेवा ले गए थे। वहाँ पे डॉक्टर द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और वो एक्सपायर हो गया। उसको आज PM के लिए CH में रख दिया, उन्हें रखवा दिया गया सुरक्षित, और कल PM हो जाएगा, मर कायम कर लिया। पूरा प्रकरण अभी जाँच में है।